students, welcome to my best study point YouTube channel. Today we are going to learn subject SST of class 7 and today we are going to learn subject SST civics. Okay, आज हम SST में civics देखेंगे और civics का हम second lesson देखेंगे जिसका नाम है democracy in action. Okay, तो democracy means क्या होता है? Democracy means लोकशाही है ना, और लोकशाही का एक्शन किस तरह से होता है, मतलब लोकशाही की कृति क्या होती है, मतलब किस तरह से उसको अपने कंट्री में उसको यूज किया जाता है डेमोक्रेसी को, उसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे. तो इसमें कुछ हम पॉइंट्स देखेंगे. फर्स्ट पॉइंट है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, सेकंड पॉइंट इज इलेक्शंस, थर्ड पॉइंट इज पॉलिटिकल पार्टीज एंड फोर्थ पॉइंट इज रोल ऑफ अपोजिशन. तो ये चार पॉइंट्स जो है वो आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे. तो पहले हम मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि फर्स्ट जो पॉइंट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, इसका मीनिंग क्या है. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मींस दैट द राइट टू वोट इज गिवन टू ऑल अडल्ट सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्रॉपर्टी, लैंग्वेज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मींस क्या होता है कि उसका जो मीनिंग है वो क्या है, राइट टू वोट, मतलब मतदान करने का अधिकार है ना, इसी को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं. वो भी कैसे, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जैसे कि धर्म के अनुसार है ना, धर्म के भेदभाव या फिर किसी कास्ट के, सेक्स की, प्रॉपर्टी है ना, या फिर लैंग्वेज, एजुकेशन सिस्टम, इन सबके बिना किसी भेदभाव से कि वोट करने का जो अधिकार दिया गया है उसी को अडल्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है. ओके, और इसी में जो सेकंड जो है वो है इलेक्शन है ना. इलेक्शन मींस क्या, ये तो आप सभी को पता है. इलेक्शन मींस क्या होता है, वोटिंग करना है ना. द इलेक्शन कमीशन, जो वोटिंग करने की जो एक संगठन होती है, इलेक्शन कमीशन जो है वो एक क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, स्वतंत्र एक बॉडी है. और उस वो क्या करती है, हर जगह पे क्या करती है, वोटिंग को, इलेक्शन को कंडक्ट करती है ना. जहाँ हर जगह, हर जैसे पूरे कंट्री में वो इलेक्शन कंडक्ट करती है और उस इलेक्शन को वो क्या करते हैं, मतलब जैसे हर एक स्टेट में अलग इलेक्शंस होते हैं ना, तो वो जो कलेक्ट उसको कंडक्ट करने का जो काम है वो किसका होता है, इलेक्शन कमीशन का, ठीक है. और थर्ड जो है वो उसमें किसका पार्ट होता है, वो पॉलिटिकल पार्टी है ना. वोटिंग में किस, वोटिंग होती है, वोटिंग में किस क्या होता है, इलेक्शन होता है, और इलेक्शन किसका होता है, किसमें होता है, पॉलिटिकल पार्टीज में ना, राजनीतिक की जो पार्टीज होती है उनमें इलेक्शंस होता है. तो पॉलिटिकल पार्टी में आज हम, उसमें भी दो टाइप्स के पार्टीज है, एक है नेशनल पार्टी और दूसरी रीजनल पार्टीज, ठीक है. ऐसे हम दो पार्टीज के बारे में आज इस लेसन में पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. इन अवर कंट्री इलेक्शंस आर कंडक्ट आफ्टर एवरी 5 years टू फॉर्म द गवर्नमेंट. At the time of these elections, various political parties campaign for their candidates. What are these campaigns and rallies aimed at? Why is it necessary for the country to go for fresh general elections after every few years? इसमें बताया है कि अपने कंट्री में जो हर साल में पांच, मतलब पूरे किसमें, 5 साल में क्या होता है, इलेक्शन होता है ना. हर 5 साल में सरकार का इलेक्शन जो हो कंडक्ट होता है, और वो कंडक्ट कौन करती है, इलेक्शन कमीशन करती है. और हर एक टाइम पे जो अलग अलग पार्टीज क्या होती है उसमें कैंडिडेट बनती है ना. अलग अलग पार्टीज के कोई उम्मीदवार ऐसे कैंडिडेट्स उसमें खड़े होते हैं हर एक इलेक्शंस में. और वो क्या करते हैं, अपने कैंपेन करते हैं, रैलीज निकालते हैं है ना, अपने जो घोषणाएं करती है ना, प्रचार करती है अपने इलेक्शन का. तो ये जो चीज़ें हैं वो अपने कंट्री में क्यों, मतलब इलेक्शन क्यों इतनी नेसेसरी है, क्यों इतनी उसकी ज़रूरत है, क्यों वो इतनी इम्पॉर्टेंट है ना. हर कुछ सालों में, हर एक 5 सालों में इलेक्शन करना क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है, ये सब आज हम इसमें देखेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज.
As stated in the previous chapter, democracy is based on universal adult franchise. This means that the right to vote is given to all adult citizens of a country without any discrimination on the basis of region, religion, caste, sex, property, language and educational qualification. जैसे मैंने अभी starting में आपको बताया था, है ना, क्या होता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मीनिंग कि मतदान का अधिकार हो भी बिना किसी भेदभाव के, किसी धर्म के भेदभाव से नहीं, ना ही उसमें कोई किसी तरह टाइप का भेदभाव नहीं होता है ना, ना धर्म का, जाति का, है ना, किसी लैंग्वेज का या फिर किसी सेक्स का, किसी प्रॉपर्टी का, कोई भी उसमें भेदभाव नहीं, सभी के लिए समान वोट होता है, उसी को अडल्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है. द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ सिटीजन, रिच और पुअर, लिटरल और इलिटरल, मैन और वुमेन इज द सेम, है ना. इस इसका जो वैल्यू है इस वोटिंग का, वो क्या है, वोट ऑफ सिटीजन, है ना, नागरिकों के लिए वोटिंग होती है जो उसमें सभी के लिए सेम वो होता है, सभी को सेम अधिकार है वोटिंग का, फिर वो अमीर हो या गरीब हो, है ना, वो पढ़ा लिखा हो या फिर अनपढ़ हो, या फिर वो फिर आदमी हो या औरत हो, है ना, सबके लिए सेम है. इन इंडिया यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इज द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन एट ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. ऑल इंडियन सिटीजन्स हु हैव अटेंड द एज ऑफ 18 आर गिवन द राइट टू वोट. ये तो हमें बात पता ही है कि जब 18 साल कंप्लीट हो जाते हैं किसी भी पर्सन को, सिटीजन को, तब उसको वोटिंग करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है. 18 साल के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं. ठीक है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट, विच मीन्स दैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन कास्ट ओनली वन वोट ड्यूरिंग एन इलेक्शन. हर एक आदमी को एक ही वोट देने का अधिकार होता है ना, वन वन मैन या फिर वन सिटीजन वन वोट, है ना, वन पर्सन वन वोट, एक आदमी सिर्फ एक ही वोट डाल सकता है, ऐसा उसका उस वोट का जो रूल है. ठीक है, दिस प्रिंसिपल इस्टेब्लिश एंड इंश्योर पोलिटिकल इक्वालिटी. दिस इन टर्न इंश्योर्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू द पीपल. और ये जो रूल है या ये जो प्रिंसिपल है, ये पॉलिटिकल इक्वलिटी के लिए उसको बनाया गया है, मतलब राजनीतिक में समानता होना चाहिए, इसलिए वो जो रूल है वो बनाया गया है. ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इलेक्शंस. ड्यूरिंग इलेक्शंस सिटीजन्स आर फ्री टू वोट फॉर पॉलिटिकल कैंडिडेट्स एंड पॉलिसीज ऑफ देयर चॉइस. This enables them to participate in government formation and control its working. Election के time में जो नागरिक होते हैं वो voting करने के लिए एकदम free होते हैं, मतलब free, उनको किसी भी चीज़ के ऊपर उनका कोई दबाव नहीं होता है, वो बिल्कुल मुक्त होते हैं किसी को भी vote देने के लिए, किसी भी candidate को vote देने के लिए. और जो उनको एक गवर्नमेंट के इसमें एक फॉर्मेशन में उनको पार्टिसिपेट करने का एक अधिकार उनको मिल जाता है. अ गवर्नमेंट दैट इग्नोर्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल कैन इजीली बी वोटेड आउट. दस इलेक्शंस कैन बी व्यूड एज अ प्रोसेस थ्रू विच द फ्री विल ऑफ द पीपल इज असेंटेड. जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो ऐसे लोगों को जो मतलब वोट करके बाहर निकलते हैं, इजीली वोट करके चले जाते हैं, उन लोगों के लिए वो क्या करते हैं, मतलब उनको एक किसी भी चीज़ की तरह उनको इग्नोर नहीं करते, और जो भी लोग वहाँ पे वोटिंग के लिए आते हैं उनके मतलब उनको वो उनकी उतनी जो रिस्पेक्ट होती है वो उसमें दर्शाते हैं. ठीक है, इन दिस वे इलेक्शंस प्रोवाइड क्रेडिबिलिटी एंड लेगिटिमेसी टू एन इलेक्टेड गवर्नमेंट. दे ऑल्सो प्रोवाइड पोलिटिकल एजुकेशन टू द पीपल. इन इंडिया द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द लोकल बॉडीज सच एस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कमिटीज, जिला परिषद, पंचायत समिति एंड ग्राम पंचायत कंपराइज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. अपने इंडिया में जो अलग अलग जैसे अपनी जो संसद है, उसमें लोकसभा है, राज्यसभा है,
है ना। और जो लोकल कुछ ऐसे सामान्य बॉडीज है अपने इसकी, जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपल कमेटी है, जिला परिषद है, पंचायत समिति है ना, ग्राम पंचायत है, नगर परिषद है, मतलब हर एक लेवल के अपने अलग अलग क्या होते हैं, जो संसद के जैसे जो कुछ ऐसे मतलब जैसे अपने स्टेट को या फिर अपने गांव को, विलेज को, विलेज की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए, जो उनका देख रेख करने के लिए जो एक संस्था होती है ना, उसको वो एक मतलब गवर्नमेंट के वो सभी क्या है, छोटे छोटे बॉडीज है, वो सब गवर्नमेंट से ही जुड़े होते हैं ना। जैसे नगर से नगर पंचायत है गांव में, छोटे खेड़े गांव में ग्राम पंचायत होती है ना। तो वो सब क्या है, गवर्नमेंट के ही, संसद के ही एक छोटे छोटे बॉडीज है जो हर एक जगह पे अलग अलग टाइप में होते हैं, और वो अपना अपना वर्क उस वहाँ पे करते रहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का इलेक्शन कमीशन। द इलेक्शन कमीशन इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, है ना। जो इलेक्शन कमीशन होता है वो ही क्या करता है, इलेक्शन क्या करता है, कंडक्ट करता है, और उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इलेक्शन कमीशन पे होती है। द हेड ऑफ द कमीशन इज नोन एज द चीफ इलेक्शन कमीशन। जो इस इलेक्शन कमीशन का जो हेड होता है, सबसे मेन जो पर्सन, हेड पर्सन जो होता है, उसको क्या कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं। ही और शी वर्क्स इन कंजंक्शन विद टू इलेक्शंस कमिश्नर्स। द कमीशन फिक्सेस एंड अनाउंस द डेट्स ऑफ इलेक्शन अक्रॉस द एंटायर कंट्री एंड इंश्योर दैट इलेक्शंस आर हेल्ड इन अ प्रॉपर मैनर। वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, वो अपना जो काम है वो दो इलेक्शन कमिश्नर्स के साथ मिलके वो करता है। उसके अंडर में दो कुछ और इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, उनके साथ मिलके वो इलेक्शन के बारे में सभी जो उनकी योजनाएं हैं वो कंडक्ट करते हैं। और जो कमीशन है वो पूरे जो पूरे डेट वगैरह इलेक्शन की सब फिक्स करके वो अनाउंस करते हैं, और बराबर सभी चीज़ें प्रॉपर तरीके से, इलेक्शन प्रॉपर तरीके से कंडक्ट करने के सारे जो काम होते हैं वो इलेक्शन कमीशन पूरा निभाते हैं। ठीक है, इट प्रिपेयर्स द वोटर्स लिस्ट, डिटरमाइंस कॉन्स्टिट्यूएंसीज, गिव्स रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, अप्रूव्स एंड अलोकेट सिंबल्स टू देम, एंड प्रिस्क्राइब्स द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स। और जो ये जो इलेक्शन कमीशन है वो वोटर वोटर लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, वोटर की लिस्ट बनाते हैं, है ना, उनके एरिया में या उनके इसमें कितने वोटर्स है ना, उसकी पूरी वो इंफॉर्मेशन निकालते हैं, उनकी पूरी लिस्ट बनाते हैं। और उस पॉलिटिकल पार्टीज के जो सिंबल्स होते हैं वो अलग अलग पार्टी के अलग अलग सिंबल्स होते हैं, उनको वो क्या करते हैं, अलोकेट्स करते हैं, और अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं। ठीक है, जो अपने पॉलिटिकल पार्टीज के लिए सेपरेट और सेपरेट सेपरेट कुछ ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं, और अपने कैंडिडेट्स के लिए भी वो कोड ऑफ कंडक्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्शन प्रोसेस। इलेक्शन की प्रोसेस कैसे होती है। द इलेक्टोरल प्रोसेस बिगिंस व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग असेंबलीज एक्सपायर्स और द असेंबली इज डिसॉल्व्ड। अ नोटिफिकेशन इज इश्यूड बाय द प्रेसिडेंट दैट कॉल्स अपॉन द कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू इलेक्ट मेंबर्स ऑन अ सर्टन डेट। दिस डेट इज यूजुअली रिकमेंडेड बाय द इलेक्शन कमीशन। द इलेक्टोरल प्रोसेस बिगिंस एज सून एज द नोटिफिकेशन इज इश्यूड। है, जो इलेक्शन की जो प्रोसेस है वो कैसे होती है, उसकी जो स्टार्टिंग है वो जब असेंबली में, संसद में जब उसकी घोषणा हो जाती है कि अभी मतलब जो वो डेट फिक्स जब हो जाती है, तब वो अनाउंस किया जाता है, और उसकी नोटिफिकेशन किससे, किसके थ्रू निकलती है, प्रेसिडेंट के थ्रू, अपने राष्ट्रपति के थ्रू निकलती है। और जब राष्ट्रपति जो इलेक्शन में जो मेंबर्स खड़े होते हैं उनके कुछ ऐसे उनकी कुछ सभा बुलाते हैं और उनमें कुछ डिस्कशन होता है, और तब जाके वो डेट फिक्स होती है। और डेट जब फिक्स होने के बाद वो इलेक्शन कमीशन के पास जाती है उनको वो डेट अप्रूवल करने के लिए। और फिर जब इलेक्टोरल प्रोसेस जब स्टार्ट हो जाती है तो फिर उनकी नोटिफिकेशन इशू की जाती है ना, कि अभी ये तारीख में इलेक्शन होने वाली है करके, इस तरह से वो नोटिफिकेशन पब्लिश करते हैं।
ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्स्टिट्यूएंसी. फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन टू द लोकसभा द कंट्री इज डिवाइडेड इन टू कॉन्स्टिट्यूएंसी और स्मॉल डिविजन्स. अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इज द जियोग्राफिकल एरिया दैट एन इलेक्टेड कैंडिडेट रिप्रेजेंट्स. कंसिस्टेंसीज आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द पॉपुलेशन. ये जो कंसिस्टेंसी है ये क्या कर जो इलेक्ट जब लोकसभा की इलेक्शन होती है तो ये जो कंसिस्टेंसी मतलब जो छोटे छोटे कंट्री मतलब पूरे कंट्री को छोटे छोटे डिविजन्स में उसको डिवाइड किया जाता है ठीक है. और ये जो कंसिस्टेंसी है वो एक जियोग्राफिकल एरिया है जिससे जो इलेक्टेड कैंडिडेट जो है जहाँ से एक एक करके जो मतलब खड़े होते हैं निकलते हैं. और ये जो कंसिस्टेंसी है वो क्या क्रिएट करती है पॉपुलेशन की साइज को देखने के ऊपर वो कंसिस्टेंसी बनाई जाती है ठीक है. एवरी कंसिस्टेंसी इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव. मतलब हर एक कंसिस्टेंसी में एक रिप्रेजेंटेटिव एक इलेक्शन में पर्सन खड़ा किया जाता है ठीक है. मतलब एक एरिया में जितनी कंसिस्टेंसी है उतने लोगों के अनुसार उतने पॉपुलेशन के अनुसार से वहाँ पे एक आदमी इस तरह से वो ग्रुप बना के वो खड़े किए जाते हैं. देयर आर सम रिजर्व कंसिस्टेंसीज फ्रॉम विच ओनली दोज कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैन कंटेस्ट इलेक्शंस. और ये जो इलेक्शंस है इसमें कुछ जो कंसिस्टेंसीज है वो रिजर्व होती है. जैसे जो शेड्यूल कास्ट से मतलब एससी और एसटी कैटेगरीज के से जो इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं जो कैंडिडेट उनको कुछ अलग मतलब कुछ ऐसे रिजर्व उनके लिए जगह होती है ठीक है. अब हम देखेंगे सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स. कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे किया जाता है. द कैंडिडेट कंटेस्टिंग इलेक्शंस इज रिक्वायर्ड टू बी अ सिटीजन्स ऑफ इंडिया एज 25 ईयर्स और अबोव शुड नॉट बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एंड शुड नॉट हैव बीन सेंटेस्टेड टू एन इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 ईयर्स और मोर. तो यहाँ पे बताया है कि जो कैंडिडेट जो खड़ा होता है उसके लिए कुछ ऐसे रूल्स होते हैं कि वो जो कैंडिडेट है वो कितने ईयर का होना चाहिए. उसकी जो एज है वो 25 या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए ठीक है. 25 से नीचे नहीं 25 से नीचे वाले पर्सन को इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकते. और उसके लिए एज की जो लिमिट है वो 25 होनी चाहिए और 25 से ज़्यादा भी हो तो वो खड़े हो सकते हैं ठीक है. और दूसरी जो बात है वो क्या है. एक तो उसका कोई जेल का रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए है ना. मतलब 2 साल या फिर दो साल से ज़्यादा अगर वो जेल में रहा है या उसका कोई रिकॉर्ड है जेल में है ना. मतलब एक गुनहगारी का कोई रिकॉर्ड है तो वो भी पर्सन इसमें इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता. द इलेक्शन कमीशन अनाउंस द लास्ट डेट फॉर फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स. पार्टी कैंडिडेट्स एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स फाइल देयर नॉमिनेशन पेपर्स ऑन और बिफोर दिस डे. फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो लास्ट डेट अनाउंस कर देती है किसके नॉमिनेशन पेपर्स को फिलअप करने के लिए. जो कैंडिडेट्स हैं उनको कोई फॉर्म्स नॉमिनेशन फॉर्म्स उनको फिलअप करने पड़ते हैं उसके लास्ट डेट इशू कर देते हैं. और सारे पार्टी के जो जो अलग अलग पार्टी के जो जो कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं वो सब अपने अपने जो नॉमिनेशन पेपर्स है उसको उस डेट के पहले ही वो फिलअप कर देते हैं. This is usually accompanied by the announcement of names of candidates by political parties. Candidates are also free to withdraw their nominations before a given date. और फिर उसके बाद जो फिलअप फॉर्म वगैरह फिलअप होने के बाद सब कुछ होने के बाद फिर जो इलेक्शन कमीशन है वो नेम अनाउंस कर देती है अपने अपने मेंबर्स के उनके अलग अलग पार्टीज के अलग अलग जो कैंडिडेट उनके नेम अनाउंस कर देते हैं. और कैंडिडेट को इतना एक फ्री मतलब उनको अधिकार दिया गया है कि डेट के नॉमिनेशन के डेट के पहले अगर उनकी इच्छा हुई एक हद कोई कैंडिडेट की कि हमें पीछे हटना है हमें इलेक्शन में भाग नहीं लेना है तो वो वापस भी मतलब विड्रॉ भी कर सकता है पीछे भी हट सकता है ठीक है. इसके बाद है स्क्रूटिनी.
द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ कंडक्टिंग ऑफ कंडक्टिंग द इलेक्शंस इन द कंसिस्टेंसी इज कॉल्ड द रिटर्निंग ऑफिसर। जो उस कंसिस्टेंसी के ऑफिसर का जो चार्ज दिया जाता है, जो इंचार्ज होता है, उसको रिटर्निंग ऑफिसर कहा जाता है। द नॉमिनेशन पेपर सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स आर थ्रूली चेक्ड एंड स्क्रूटिनाइज्ड बाय द रिटर्निंग ऑफिसर एंड हीज और हर टीम। और फिर जो नॉमिनेशन पेपर्स है वो पूरे जो कैंडिडेट्स है वो उसके पास क्या कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं। और फिर वो सभी के जो नाम है वो सभी नाम रिटर्निंग ऑफिसर के पास वो सबमिट हो जाते हैं। नॉमिनेशन पेपर्स विथ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अगर उस नॉमिनेशन पेपर्स पे किसी कैंडिडेट की अगर ये कुछ इन्फॉर्मेशन अगर गलत भरी है तो वो पूरा क्या डिक्लेयर हो जाता है, इनवैलिड डिक्लेयर हो जाता है और उसका जो कैंडिडेट जो नॉमिनेशन है वो कैंसिल हो जाता है। आफ्टर रिग्योरियसली गोइंग थ्रू एवरी नॉमिनेशन पेपर द रिटर्निंग ऑफिसर पब्लिशेज द लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसी। और उसके बाद फिर जो नॉमिनेशन पेपर के पूरे भरने फिलअप होने हो जाने के बाद फिर जब जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो पूरी जो लिस्ट है कैंडिडेट की उसको क्या करता है, पब्लिश कर देता है। इसके बाद हम देखेंगे अलोकेशन ऑफ सिंबल्स। द इलेक्शन कमीशन अप्रूव एंड अलोकेट सिंबल्स टू इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स एंड ऑल पोलिटिकल पार्टीज। वाइल अलोकेटिंग सिम्बल्स द इलेक्शन कमीशन मेक श्योर दैट नो टू पोलिटिकल पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैव द सेम और सिमिलर सिम्बल्स एज इट मे कन्फ्यूज और मिसलीड द वोटर्स। फिर उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन जो है वो अलग अलग पार्टीज के उनके जो सिंबल्स होते हैं ना, अलग अलग पार्टी के अलग अलग उनके सिंबल्स होते हैं। जैसे कांग्रेस का पंजा होता है, बीजेपी का क्या है, कमल है। तो इस तरह से अलग अलग सिंबल्स जो होते हैं उनको उनको इतने हर एक कैंडिडेट को, ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वो पॉलिटिकल पार्टीज के अपने सिंबल्स को वो पब्लिश करने की उनको क्या होती है, उनको परमिशन दी जाती है। वाइल और फिर जब अलोकेटिंग सिंबल्स जब उनको मिल जाते हैं या पब्लिश हो जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या श्योर कर देता है कि कोई भी दो पॉलिटिकल पार्टीज या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इसमें सेम और सिमिलर सिंबल्स के नहीं है, है ना। मतलब हर एक इसके सिर्फ एक ही सिंबल होता है और एक ही सिंबल का एक ही कैंडिडेट उसमें होता है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं, मतलब उनके सिंबल्स पब्लिश होने के बाद। और वो श्योर हो जाते हैं कि ये श्योर करते हैं कि एक ही सिंबल के एक ही पार्टी के एक ही कैंडिडेट है, उसके कोई दो कैंडिडेट दो पार्टीज नहीं है, ये बात वो श्योर कर लेते हैं। द फॉलोइंग इमेज और जो जैसे इमेजेस में जैसे बताया जाता है, जैसे अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज के, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया है ना, कमल जो है वो किसका है, बीजेपी का है, पंजा जो है वो कांग्रेस का है, उसी तरह तृणमूल कांग्रेस का क्या, जैसे अलग अलग टाइप के जो समाजवादी पार्टी है उसकी क्या होता है, निशान साइकिल होती है, मतलब उनकी पार्टीज के अलग अलग जो निशान होते हैं है ना, उसको वो चुनते हैं, उनका जो सिंबल होता है उसी को वो उनका निशान बनाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे इलेक्शन मैनिफेस्टो। पॉलिटिकल पार्टीज रिलीज देयर मैनिफेस्टो एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस। इलेक्शन मैनिफेस्टो आउटलाइन द प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज दैट अ पॉलिटिकल पार्टी कमिट्स टू इम्प्लीमेंट इफ वोटेड टू पावर। उसके बाद जब पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टो वो क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं इलेक्शन के टाइम पे, और इलेक्शन मैनिफेस्टो जो है वो उसके जो प्रोग्राम्स है उसकी जो पॉलिसी होती है वो पॉलिटिकल पार्टी के कमिटी के थ्रू होती है। इफ वोटेड टू पावर मैनिफेस्टो आर इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स दैट द वोटर्स कैन यूज फॉर जजिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। जो मैनिफेस्टो है वो इतना इम्पोर्टेंट होता है इंडिकेटर्स के लिए कि जो वोटर्स है वो उसको जजिंग करने के लिए, मतलब जज करने के लिए और पॉलिटिकल पार्टी के ऑब्जेक्टिव के इसमें वो उसको यूज किया जाता है। मैनिफेस्टो टेल द पीपल अबाउट अ पॉलिटिकल पार्टीज व्यू एंड मेजर नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज एंड द स्टेप दैट द पार्टी प्रोमिस टू अंडरटेक द फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल।
ये जो मैनिफेस्टो है वो लोगों को ये बताने के लिए होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, उनके व्यूज के बारे में, और उनके जो नेशनल या इंटरनेशनल के को अगर कुछ इशू इशू है या कुछ उनकी मतलब कोई गुनहगारी की उनकी कोई बात है ना, और या फिर पार्टी के कुछ ऐसे उन प्रॉमिसेस होते हैं अंडरटेकन वेलफेयर के इसमें लोगों के लिए, तो वो सब चीजें लोगों तक पहुंचाने के लिए मैनिफेस्टो का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपेनिंग। कंपेनिंग इज द प्रोसेस बाय विच अ कैंडिडेट ट्राइज टू परस्यूड वोटर्स टू वोट फॉर हिम और हर रेदर देन द रिवील कंसिस्टेंस। इट इज डन थ्रू मीटिंग स्पीचेस एंड डिस्प्लेज ऑफ बैनर्स। कंपेनिंग मस्ट स्टॉप 48 आवर्स बिफोर पोलिंग। अरे जो कंपेनिंग की प्रोसेस जो है वो क्या होती है, जो इलेक्शन में खड़े होते हैं कैंडिडेट्स उनके बाद उनका प्रचार करने के लिए ये कंपेन चलाया जाता है, और वहाँ पे जो वोटर होते हैं वो वोटिंग के लिए रैलीज निकालते हैं, है ना, लोगों के घरों में जाते हैं, उनको पर्चे बांटते हैं, मतलब पॉम्पलेट्स वगैरह उनके, या फिर ऐसे बैनर्स वगैरह डिस्प्ले करते हैं, या भाषण देते हैं, स्पीचेस देते हैं, है ना। और ये जो पूरी जो कैंपेनिंग है वो कब करनी पड़ती है, सिर्फ जब जिस दिन वोटिंग है या फिर जब जब पोलिंग लगती है ना, वोटर वोटर की या वोटिंग की जब पोल लगते हैं अलग अलग जगह पर, उसके पहले 48 आवर्स में ही ये कैंपेनिंग उनको करनी पड़ती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है पोलिंग। वोटर्स गो टू द पोलिंग बूथ्स एंड कास्ट देयर वोट थ्रू अ सीक्रेट बैलॉट। फिर वोटर्स का आप जब पहुंचते हैं पोलिंग बूथ पे, मतलब जहाँ जहाँ उनके पोलिंग लगे होते हैं, वो प्लेस जहाँ पर पोलिंग मतलब किसे क्या कहते हैं, जिस जगह पे उन वोटिंग होती है उसको पोलिंग कहते हैं। मतलब जैसे अभी हर एक अलग अलग समाज में या फिर अलग अलग वार्ड में वगैरह अलग अलग जगह पे उनके क्या लगते हैं, पोलिंग लगते हैं ना। जैसे अब स्कूलों में ज्यादातर पोलिंग्स लगते हैं हर एक एरिया की, जो बड़ी कोई ऐसे स्कूल स्कूल्स होते हैं वहाँ पे वो पोलिंग बूथ देते हैं, है ना, वोटिंग के। तो वहाँ पे फिर वोटर्स जाते हैं और वहाँ पे एक सीक्रेट बैलट रखा जाता है ना। ये तो बात आप सबको पता ही होगी कि ऐसे एक बैलट रहता है वहाँ पे, कुछ ऐसे एक साइड में उनके बटन्स रहते हैं ब्लू कलर के, और उसके बाजू के साइड में उनके क्या रहते हैं, नेम रहते हैं, जो कैंडिडेट्स खड़े हैं उनके नेम रहते हैं, और इधर ब्लू बटन्स रहते हैं, और उसके बाजू में क्या रहते हैं, उस पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल्स रहते हैं, है ना। जैसे बीजेपी के जो कैंडिडेट उसका नाम, फिर उधर उसका सिंबल, और उसके बाजू में ब्लू बटन, इस तरह से वो अलग हर एक पार्टी के कैंडिडेट के नेम, उनके सिंबल्स और उधर बटन्स रहते हैं, और जो वोटर है वो नेम और जिसको देना है, जिस पार्टी को उनको वोट देना है, उस पार्टी के सिंबल के सामने का जो ब्लू बटन है उसको प्रेस करते हैं, है ना। तो ये एक मेथड है वोटिंग करने की, है ना, ये प्रोसेस है। तो वो जो होता है जिसके ऊपर नेम सिंबल और बटन्स होते हैं उसको बैलोट कहते हैं, ठीक है, सीक्रेट बैलोट होता है वो रखा जाता है, और हर एक पर्सन जो है वो उसकी जो वोटर लिस्ट में जो जो नाम, जिन जिन लोगों के नाम होते हैं वो वहाँ पे पोलिंग इस पे जाते हैं पोलिंग बूथ में, और वहाँ पे अपनी वोटर फोटो आईडी आइडेंटिफाई वो वहाँ पे दिखाता है अपनी, और वहाँ पे वोट करने के लिए जाता है। अगर फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो है वो किस लिए हेल्प करता है, मतलब ताकि कोई दूसरे के नाम से वहां जाके वोटिंग ना करे, है ना, कोई चीटिंग ना हो, इसलिए वो वोटर आईडी कार्ड वहां पे आइडेंटिफिकेशन के लिए मांगा जाता है। अर्लियर बैलेट बॉक्सेस वे यूज टू कास्ट वोट्स मैन्युअली व्हेन इलेक्शंस वेयर ओवर द बैलेट बॉक्सेस वेयर सील्ड एंड टेकन टू काउंटिंग स्टेशंस। सिंस 2004 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आर बींग यूज इज मोस्ट प्लेसेस इन अवर कंट्री टू रिकॉर्ड वोट्स। ईवीएम्स सेव टाइम एंड कॉस्ट ऑफ इलेक्शंस एंड सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग द वोट्स, है ना। पहले के जमाने में जो ऐसे बॉक्सेस रखे जाते थे, है ना, सील वाले, और मतलब जो सिर्फ अपने चिट्ठी पे लिख के वो ऐसे जिनको देना है उसका नाम या फिर उसके सिंबल का वगैरह ऐसा जो नाम है उनकी पार्टी का नाम लिख के वो उस बॉक्सेस में डालते थे, और उस बॉक्सेस को सील किया जाता था, और बाद में फिर उसमें
किस बॉक्स में कितने जो चिट्ठियां हैं, जिनके ज्यादा नाम हुए, जिनके ज्यादा चिट्ठी हुए वो विजेता हो जाता था। लेकिन ये पहले की प्रोसेस थी। लेकिन फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मशीन आई है ना, उस पे फिर वोटिंग स्टार्ट हुई। मतलब बटन दबा के वो हो जाता था बैलेट पे, ठीक है। तो उसको ईवीएम मशीन भी कहा जाता है। उसका जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम, ठीक है। ईवीएम मशीन कहा जाता है उसे। तो उस पर भी लोग बाद में वोटिंग करना स्टार्ट हो गया। अब हम देखेंगे काउंटिंग एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। काउंटिंग ऑफ वोट्स टेक प्लेस एट अ सेंट्रलाइज प्लेस अंडर हैवी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स ऑन अ डे फिक्स बाय द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के थ्रू फिक्स हुए हुए जो डेट होती है जब इलेक्शन किया जाता है, तब वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी की अरेंजमेंट की जाती है। बहुत ही भारी सिक्योरिटी होती है। और वहाँ पे जब वोट्स होने के बाद जब वोट की काउंटिंग की जाती है, तो वहाँ पे तो सबसे भयानक जो सिक्योरिटी है वो लगाई जाती है। द काउंटिंग सेंटर फंक्शंस अंडर द सुपरविजन ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर्स हु वर्क्स विद द हेल्प ऑफ अदर ऑफिसर्स। और काउंटिंग सेंटर के जो फंक्शंस है उसके कुछ मतलब दूसरे जो लोगों के सुपरविजन में वो चलता रहता है। और जो वहाँ पे बहुत से ऐसे ऑफिसर्स रखे जाते हैं जिनके अंडर में वो काम चलता रहता है। कैंडिडेट्स एंड देयर ऑथोराइज्ड एजेंट्स आर अलाउडेड इनसाइड द हॉल ड्यूरिंग द काउंटिंग। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग इज ओवर द रिटर्निंग ऑफिसर डिक्लेयर्स द नेम ऑफ द विनर द कैंडिडेट हु हैज सिक्योर्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स। तो बाहर बहुत से ऑफिसर रखे हुए रहते, सिक्योरिटी रखी हुई रहती है, और अंदर हॉल में कई कुछ लोग जो जो वोटिंग है उसको चेक करते हैं, मतलब काउंटिंग करते हैं कि कितने वोट्स किसको आए। और बाद में जब पूरा काउंटिंग का काम जब खत्म होता है, तब जो जो मेन रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है वो उस विनर कैंडिडेट का नाम घोषित कर देता है, जिसको सबसे ज्यादा वोट्स प्राप्त होते हैं, जिसको सबसे ज्यादा वोट्स होते हैं वो विनर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्शन पिटिशन। इफ अ कैंडिडेट हैज डाउट्स अबाउट द यूज ऑफ अनफेयर मेथड्स और चीटिंग इन द इलेक्शन प्रोसेस, ही और शी कैन फाइल अ पिटिशन इन द हाई कोर्ट। फ्रेश इलेक्शंस कैन बी ऑर्डर्ड इन केस द ईवीएम्स आर डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट। अगर कोई कैंडिडेट को डाउट हो कि ये जो काउंटिंग की गई है या फिर जो मतलब जो इलेक्शन में जो कुछ प्रॉब्लम, मतलब उसको ऐसा डाउट हो कि इसमें कुछ चीटिंग हुई है, कुछ डाउट हुआ है किसी दूसरे इलेक्टर को, तो वो अपने थ्रू हाई कोर्ट में पिटिशन कर सकता है उसके खिलाफ। और जो फ्रेश इलेक्शन वाला जो होता है, मतलब जो पहली बार अगर इलेक्शन में खड़ा होता है, तो वो भी ये काम कर सकता है। और जो अगर किसी की जो वो ईवीएम मशीन है वो अगर डिस्ट्रॉय हो जाए, मतलब ख़त्म हो जाए या फिर गुम जाए, तो फिर डबल इलेक्शन भी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इलेक्शन। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री सच एज इंडिया देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इलेक्शंस, जनरल इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शंस एंड बाय इलेक्शंस। मतलब जो डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकशाही की जो देश होता है जैसे कि इंडिया है, तो यहाँ पे तीन टाइप के इलेक्शन होते हैं। एक जनरल इलेक्शन होता है, दूसरा मिड टर्म इलेक्शन और तीसरा बाय इलेक्शंस होता है, ठीक है। तो पहले हम जनरल इलेक्शन देखेंगे। जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड ऑल over the country at the same time to form a new government at the center. They are usually held once every 5 years. जो 5 साल में एक बार जो इलेक्शन होता है, और पूरी गवर्नमेंट के लिए होता है, और हरे पूरी कंट्री में ये जो इलेक्शन है वो चलता है, उसको जनरल इलेक्शन कहा जाता है। दूसरा है मिड टर्म इलेक्शन। मिड टर्म इलेक्शन टेक प्लेस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 5 year टर्म इन केस ऑफ सर्टन प्रॉब्लम्स। This can happen when the government in power fails to prove majority in the Lok Sabha during the vote of no confidence that is passed against it in the parliament. The newly elected government can hold the officer for the next 5 years. जो मिड टर्म इलेक्शन है उसका मीनिंग क्या होता है, जैसे समझो 5 साल पूरे होने के ही है किसी
किसी गवर्नमेंट को मतलब इलेक्शन हो गई है और 2-3 साल हो गए हैं, लेकिन अगर उसके बीच अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर उस गवर्नमेंट को खारिज करना पड़ता है, खारिज करने की अगर कोई ऐसी ज़रूरत आन पड़ती है, तो फिर जैसे कि लोकसभा है, लोकसभा का जो काल है वो 5 साल का रहता है, ठीक है। लेकिन अगर लोकसभा में कुछ ऐसी अगर प्रॉब्लम आ जाती है कि उसको खारिज करना पड़ता है उस मंत्रिमंडल को या फिर उस सभासदों को, तो फिर उनको खारिज करके 5 साल पहले ही डबल इलेक्शन ली जाती है ना। अगर 3 साल पूरे होने के बाद अगर ऐसा लगता है कि नहीं अभी हमें दूसरी इलेक्शन लेनी चाहिए, तो फिर वो उसको खारिज करके फिर दूसरी इलेक्शन वो स्टार्ट कर लेते हैं, और उसके बाद उस इलेक्शन में जो जीतता है फिर वो आगे वहां से 5 साल तक वो अपना जो काम है या अपना जो अधिकार है वो चलाता है, ठीक है। तो इसी को मिड टर्म इलेक्शन कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो थर्ड इलेक्शन है वो है बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शंस आर हेल्ड इन अ पर्टिकुलर कंसिस्टेंसी टू फिल अ वैकेंसी क्रिएटेड बाय द सडन डेथ और रिजिग्नेशन ऑफ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। द न्यूली इलेक्टेड कैंडिडेट्स कंटिन्यूज इन ऑफिस ओनली टिल द नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस टेक प्लेस। इसके जो बाई इलेक्शन है वो तब की जाती है जब किसी पर्टिकुलर जो कंसिस्टेंसी है, जिसको वैकेंसी से क्या करना है, सडनली क्रिएट करना है, जैसे डेथ या फिर रेजिग्नेशन होता है, जो भी अगर समझो कोई उम्मीदवार अभी कोई जो कैंडिडेट है जो जीत गया है, मतलब वो उसका वो अपनी जगह पे वो अपना काम कर रहा है ना, वो उस पर्टिकुलर समा पर्टिकुलर उस कंट्री का या फिर उस स्टेट का अगर वो कोई मंत्री है ना, लेकिन अगर उसको समझो अगर अचानक से अगर उसकी डेथ हो जाती है या फिर उसने अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से वो रिजाइन दे देता है, वो अपने पद से रिमूव खाली हो जाता है, तो फिर उसके जगह दूसरा जो इलेक्शन मतलब दूसरा जो कैंडिडेट है, दूसरा जो मंत्री है, उसको उसमें फिर उनको दूसरा वहाँ पे रखना पड़ता है ना। तो तब उस जगह के लिए फिर और इलेक्शन की जाती है, उसको बाई इलेक्शंस कहा जाता है, ठीक है। तो वो जो इलेक्शन है वो जनरल इलेक्शन होता है, वो लोग जब नेक्स्ट जनरल इलेक्शन होती है तब वो उसमें उसको उसकी भी नियुक्ति कर देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हमने ये सिविक्स का इस लेसन का फर्स्ट पार्ट है, तो आज हम इस पार्ट में इतने ही पॉइंट्स हम देखेंगे, और इसके पार्ट टू में हम इस लेसन के बाकी जो पॉइंट्स है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के इस टॉपिक के बारे में अगर आपको कोई डाउट हो, अगर किसी टॉपिक से आपको कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।